हनुमान मेरा लाल, आज इतने दिनों पश्चात इसे ऐसे सोते हुए देख रही हूं। अब तो लोरी सुनाने के लिए भी नहीं कहता। हे ईश्वर, इसकी निद्रा में कोई बाधा ना आए। अपने किए पर लज्जित। देवराज इंद्र, अब समय आ गया है कि हनुमान की समस्त सिद्धियां पूर्ण की जाए। तुम्हें शक्ति दीक्षा के द्वारा महायोग में दीक्षित करने जा रहा हूं। इसके पश्चात तुम्हें सर्व सिद्धियां एवं समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। इस दीक्षा की सिद्धि प्राप्त करने से तुम्हारा प्रकृति के मूलभूत पंच तत्वों पर भी नियंत्रण हो गया है। अब तुम जब चाहो तब अपने देह को पांच तत्वों के स्थान पर मात्र एक तत्व का भी बना सकते हो। एक तत्व का अर्थात? हनुमान, पंच तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एवं आकाश, इनके सम्मेलन से ही संसार के समस्त प्राणियों की देह बनी है। किंतु अब तुम अपनी देह को मात्र एक तत्व का भी बना सकते हो, जैसे जल तत्व की द्रव वाली देह, पृथ्वी तत्व की कठोर देह, अग्नि तत्व की अग्नि देह, आकाश तत्व की आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त होने वाली देह, वायु तत्व की वायु दे, अर्थात अदृश्य दे। तो क्या मैं अदृश्य भी हो सकता हूँ? हाँ हनुमान, तुम अदृश्य भी हो सकते। तुम
परंतु ये सत्य में क्यों प्रतीत हो रहा है? हाँ हनुमान, तुम अदृश्य भी हो सकते, 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 तुम अदृश्य भी हो सकते। स्वप्न था या सत्य, ये तो मुझे ज्ञात नहीं। यदि ये सत्य हुआ तो मेरी इच्छा है कि मैं वायु तत्व की भांति अदृश्य हो पाऊं, अदृश्य हो पाऊं, अदृश्य हो पाऊं। ये क्या, मैं तो अदृश्य हो सकता हूँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। महारानी जी आप, प्रणाम महारानी माँ। महारानी माँ, आप चिंतित प्रतीत हो रही हैं। तुम तो जानते ही हो हनुमान, एक ही तो चिंता है इन दिनों। हाँ, सुग्रीव भैया की। परंतु माता, आप चिंता मत कीजिए, उनके लिए मैंने अपने गुरुदेव सूर्यदेव की शक्ति का वो सुरक्षा चक्र जो बना दिया है। जो भी शत्रु भाव से आएगा वो उसे भेद नहीं पाएगा। मैं वाली के लिए भी चिंतित हूँ पुत्र, वो उग्र प्रवृत्ति का है, अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चल निकला है, और अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलने वाले का पतन ही होता है। किंतु है तो वो मेरा ही पुत्र। महारानी माँ, एक माँ की भावना हनुमान भली भांति समझ सकता है। हनुमान, तुम मुझे वचन दो। तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वाली भैया तो मेरे बड़े भाई समान हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। महारानी माँ, फिर भी आपको वचन चाहिए तो ठीक है। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हनुमान, एक वचन हमें भी चाहिए मित्र। हाँ हाँ। प्रणाम महारानी जी। मित्रों, तुम सब यहाँ इतनी प्रातःकाल? हाँ, तुम्हारे दर्शन ही कहाँ होते हैं मित्र, इसलिए जैसे ही हमें ये ज्ञात हुआ कि तुम लौट आए हो तो हम सब ने निश्चय किया कि तुम्हें प्रातःकाल ही पकड़ा जाए। तुमसे वचन ये लेना है कि तुम हमें बहुत सारे लड्डू खिलाओगे। क्योंकि मित्र, तुम जब यहाँ आते हो तो अवश्य ही लड्डू बनते हैं, और आज हम भी खाएंगे तुम्हारे साथ लड्डू। वचन दो हमें। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, वचन दे दिया। अब विलम्ब कैसा, शुभाश शीघ्रम। चलो मित्रों, चलो। महारानी माँ, हमें आज्ञा दे। प्रणाम महारानी जी। चलो मित्रों।
धन्यवाद हनुमान, तुमने मुझे वाली का वध ना करने का वचन देकर एक माँ के संतप्त हृदय को शांति प्रदान की है। अब मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारे ही हाथों में। तो तुम्हें रू में जाकर छुप गया है वो वानर बालक का हितैषी नौकरी। वो सोचता होगा वो क्या, सभी ये सोचते होंगे कि अब वो सुरक्षित हो गया है, किंतु नहीं। वो सुग्रीव के कारण उस वानर बालक को पुनः जीवन प्राप्त हुआ है। मायासुर पुत्र मायावी, शीघ्र जाओ सुमेरु, अपनी माया का प्रयोग करो, कुछ भी करो, और उस रात्रद्रोही सुग्रीव को मेरे चरणों में लाकर डाल दो। ऐसा ही होगा लंकेश, मैं सुत की माया में वो सुग्रीव सहजता से फंस जाएगा, शीघ्र ही वो आपके चरणों में होगा। किंतु स्मरण रहे, वो केसरी पुत्र वानर बालक दिखने में छोटा और साधारण वानर बालक हो सकता है, किंतु शक्ति और चतुराई में वो अद्वितीय है। तुम्हारी उपस्थिति का ध्यान भी नहीं होना चाहिए उसे। ऐसा ही होगा लंकेश, कार्य पूर्ण होने के पूर्व उस वानर को हमारी उपस्थिति का ज्ञात भी नहीं होगा। मित्र तुम भी खाओ लड्डू ही लड्डू, आज तो बड़ा आनंद आ रहा है। मित्रों तुम सब खाओ, मैं अभी आता हूँ। अरे तुम कहाँ चले? अभी तो तुम्हें हमारे साथ बहुत सारे लड्डू खाने शेष है। मित्र नल, मैं अभी आया, सुग्रीव भैया को देखकर आऊँ। नहीं नहीं मित्र, पहले हमारे साथ पेट भर कर लड्डू खाने हैं। तब तक हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुमने तो हमें वचन दिया था मित्र। और फिर तुम्हें हर समय सुग्रीव भैया के आसपास रहने की आवश्यकता ही क्या है, उनके लिए सुरक्षा चक्र तो तुमने बना ही दिया है। पीड़ा भी नहीं हो रही है, अब ठीक तो हो रहा हूं मैं। तो यहां छुपा बैठा है सुग्रीव, किंतु मायावी की माया से बच नहीं पाओगे तुम। कौन है वहां? ये दिव्य सुरक्षा चक्र तुम्हारी रक्षा कर रहा है, किंतु सुग्रीव मायावी की माया कोई पार नहीं पाया। ये दिव्य सुरक्षा चक्र तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, मैं तुम्हें यहां से उठा कर ले जाऊंगा। सुग्रीव भैया की सुरक्षा की व्यवस्था तो तुमने कर दी, अब हमारा समय है। हमारे उधर की शांति तो तुम्हारे साथ लड्डू खाने से ही होगी। मित्र, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। नानी, और लड्डू दीजिए ना,
इतने सारे लड्डू भिजवाए थे, अभी तक तुम्हारा और तुम्हारे मित्रों का उधर नहीं भरा? नहीं, और दीजिए। हाँ, नहीं, अब और नहीं मिलेंगे। अभी संपूर्ण सुमेरु में भी बंटवाने हैं लड्डू। माँ। तुम्हें अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हुई है ना, जो तुमने अभी कुछ समय पूर्व हमें बताया था। किसी को भी कुछ ज्ञात नहीं होगा। लड्डू कहाँ गए? भीतर नहीं जा सकता मैं, किंतु अब तुम्हें बाहर आने के लिए विवश कर दूंगा मैं सुग्रीव। अरे आ गया लड्डू का थाल। ये लड्डू की थाली कुछ कम क्यों लग रही है? सब कहो, मैं सुग्रीव भैया के पास होकर आता हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।